लाइए, टीका लग चुका है, प्रसाद ले लेते। ओए होए होए होए, आज तो किस्मत बन गई भाई। सोचा था बूंदी, मिल गया बेसन का लड्डू। वाह भाई वाह, जय बजरंगबली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इशू सामंत ब्लॉग्स। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि एक वीक से ऊपर हो चुका है और मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, बिकॉज आपको मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी। पिछले एक वीक से कुछ टाइम अच्छा नहीं चल रहा था मेरी फैमिली में भी और मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं उनकी फैमिली में भी, तो इस वजह से खुद ही मन नहीं करा मेरा कोई ब्लॉग डालने का। तो दोस्तों, लास्ट वीक तो 4 से 5 दिन मैं लीव पे था। बस इस मंडे से ही मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है और बस अभी नाइट शिफ्ट थी मेरी और वो ओवर करके मैं आया हूँ टेरिस पे थोड़ा सा वॉक करने। और अभी सुबह के आई थिंक 6:15 के अराउंड हो रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा वॉक करने आया हूँ तो क्यों ना मैं आज से ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँ, बिकॉज़ हफ्ते से 10 दिन का गैप भी हो गया है और ये सही टाइम है स्टार्ट करने का ब्लॉगिंग, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा है मॉर्निंग में और थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ मैं। वाइफ की तबीयत भी अब पहले से काफ़ी ठीक है और शी इज़ रिकवरिंग, सो होपफुली शी गोना बी फाइन इन कमिंग वीक्स। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा ब्लॉग मैंने सोचा शूट कर लेता हूँ और आप लोगों से थोड़ी बात कर लेता हूँ। तो मैं करता हूँ थोड़ी सी वॉक और वॉक करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जाऊँगा सोने। तो अगर जो भी उसके अलावा मुझे मिलता है इस ब्लॉग में डालने के लिए तो मैं इसमें ऐड करता हूँ। A few moments later. चलो भाई देखते हैं नाश्ते का प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा है। और ये किचन में मम्मी ने नाश्ता बनाना स्टार्ट भी कर दिया है आई थिंक। जी हाँ, नाश्ता बनाना स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। प्याज के पराठे बना रहे हो क्या? प्याज के पराठा बना रहे हैं। अच्छा, तो ये देखिए बन रहे प्याज के पराठे फर्स्ट क्लास। और वो है मम्मी और पापा की चाय, तो अपना तो है दूध का हिसाब किताब, तो दूध गर्म हो रहा है। तो बस मम्मी को बनाने देते फटाफट पराठे और फिर मैं नाश्ता करता हूँ। तो दोस्तों, नाश्ता करने के बाद और पराठे लपेटने के बाद मेरे को तो आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद और मैं सो गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक तो मैं लीव्स पे चल रहा था, 4-5 दिन लीव में था, तो इसी मंडे से मैंने ऑफिस ज्वाइन करा तो मेरा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो गया था। तो इस चक्कर में ना इतना ज़्यादा सोया हूँ आज, आप लगा लो मैं नाश्ता करने के बाद 8:15 बजे सो गया था और अभी बज रहे 6:30, तो 10-11 घंटे सोया हूँ मैं। तो चलते हैं और करते हैं आगे का प्रोग्राम स्टार्ट। बाकी मेरी वाइफ भी अभी रेस्ट कर रही है। ये देखो जी। हेलो, क्या हाल है जी? अब बढ़िया, बेटर फील कर रहे हो अब? चलो गेट वेल सून। तो भैया ये तो कर रही है रेस्ट, हम चलते हैं नीचे और ये रहा अपना काम का सेटअप, तो थोड़ी देर में काम वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, तो चलते हैं ज़रा नीचे। चलो भाई देखे जरा क्या हो रहा है नीचे, चाय वाय का प्रोग्राम देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। चाय का क्या प्रोग्राम है? चाय बना देती हूँ अभी। बनाओ। अरे चेयर तो खाली पड़ी है, कौन बैठा था यहाँ? तो दोस्तों, पापा जी अपनी कुर्सी छोड़ के चले गए हैं पता नहीं कहाँ, और पता नहीं ये कुर्सी लोग इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है, इन्होंने कैसे छोड़ दी। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज है मंगलवार और जो मेरे घर के बगल में टेंपल है, मैं आपको दिखाता रहता हूँ अपने ब्लॉग में, तो यहाँ पर आज बहुत सारे लोग आते हैं प्रसाद चढ़ाने। आप ये देखेंगे कि भक्तों का तांता लगा हुआ है। और ये भाई है एक अपना जो यहाँ पर शॉप लगाता है बूंदी के प्रसाद की, और वो पापा बोल रहे देखो मंदिर के अंदर जा रहे हैं, पकड़े गए। तो भाई ये आज भीड़ लगी रहेगी यहाँ पर, तो अभी मम्मी भी जाएगी प्रसाद चढ़ाने। और दोस्तों आप जो ये चप्पलें देख रहे हैं मंदिर के बाहर, जो चप्पलें उतार के गए हैं लोग, आप टेंशन मत लीजिए, इन सारी चप्पलों का ना इंश्योरेंस हो रखा है, तो अगर यहाँ से कोई भी चप्पल चोरी होती है तो इन सब का इंश्योरेंस हो रखा है। चप्पल के साथ साथ इनको एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा अगर गलती से चप्पलें चोरी होती है, तो इसलिए इतने आराम से और इतने निश्चिंत होकर चप्पलें बिखेर के गए हैं। देखो हर कलर की चप्पलें हैं, लाल, नीली, गुलाबी, पीली। और ये अपने दो शिकारी बैठे हुए हैं भूरा और कालू, और ये सारा प्रसाद लपेटेंगे आज पूरे हफ्ते का एक साथ। तो भाइयों इनको करने देते हैं इनकी एक्टिविटी। और पापा जी तो कुर्सी छोड़ के आपको दिखाया था पहुंच गए मंदिर, और मैंने मम्मी को बोल दिया है कि चाय वाय बना दे, और यहाँ मेरे को लग रहा है मम्मी की आरती वगैरह ख़त्म हो गई है
और ये देखिए दिया जला दिया मम्मी ने फर्स्ट क्लास, तो हम भी प्रणाम कर लेते हैं जरा। जय माता की। ग्राउंड फ्लोर का भी नज़ारा ले लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों की चल रही है पढ़ाई, और ये बंदा थक गया है पढ़ते पढ़ते, तो पानी चूस रहा है। पूरा 1 लीटर पानी पी गया होगा बेटा तू पढ़ते पढ़ते। और ये भाभी जी हमारी पढ़ा रही है। हेलो हाय। हेलो देवा कहाँ है? अच्छा ये रहा। डांट किसकी पढ़ रही थी भाई अभी? हाँ भाई क्या हाल है? आज पाउडर लगा के नहीं आया? तेरी जच रहा है लौंडा एकदम। क्या तो दोस्तों इनका चल रहा है ट्यूशन, और अभी एक दो की सुताई भी हुई है लग रहा है। वो सबसे कोने वाला भाई सीरियस लग रहा है, उसी की हुई है लग रहा है मुझे। तो इनको पढ़ने देते हैं, हम चलते हैं ऊपर। बाकी यहाँ पर मम्मी चाय बना रही है, तो जैसी चाय बनती है इसे लेके मैं जाऊँगा छत पे। नहीं छत पे ही ले जाऊँगा, लेके आप बनाओ तो थोड़ा छत के नज़ारे ले लेंगे चाय के साथ। तो दोस्तों चाय आ चुकी है मम्मी जी की रसोई से, तो चाय लेके चलते हैं फटाफट छत पे। चलिए लीजिए, छत पे आ गए चाय लेके। और ये हमारे पेड़ पौधे खिल रहे हैं आजकल काफ़ी, और पतंगे भी उड़ रही है अगर आप देखोगे। ये देखिए 15 अगस्त की बची हुई पतंगे अभी भी लोग उड़ा रहे हैं, ख़त्म नहीं हुई अभी। और इसके साथ साथ मुझे आपको एक चीज़ और दिखानी थी। ये देखिए अगर आप ये बेल देखेंगे, ये पापा की मेहनत से और मम्मी की मेहनत से यहाँ तक पहुँच चुकी है। और ये जो बेल है ये गांव की ककड़ी की बेल है। और ये बेल जब स्टार्टिंग में लगाई थी ना तो ये इतनी थी यहाँ तक बस, और 5-6 पत्ते आ रखे थे इसमें। और लेकिन अब देखिए पिछले 10-12 दिन में ये कहाँ तक पहुँच गई है। और ये देखिए जुगाड़ कर रखा है पापा ने इसका, और पापा का लक्ष्य है इसको यहाँ तक पहुँचाने का। ये देखिए तो मुझे लग रहा है लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो जाएगा, अगले 2-3 हफ्ते में पहुंच जाएगी। और इसे एक एक जगह और लगाया इन्होंने सेम बेल, और इसमें तो फ्रूट भी आ गया एक, मैं आपको दिखाता हूँ अगर दिखेगा, बिकॉज कल ही पापा ने दिखाया था मॉर्निंग में, कल या परसों पता नहीं कहाँ गया। ये देखिए ये रहा, ये देखिए दिखा आपको, ये देखिए ये है हमारे गाँव की ककड़ी, यहाँ के खीरे की तरह होती है लेकिन साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और ये देखिए पहला फ्रूट लग चुका है इस बेल में, पास से दिखाता हूँ मैं। और ये देखिए तो पापा और मम्मी दोनों की मेहनत रंग लाई है, और अगर इसमें ऐसे फ्रूट लग रहे हैं तो आगे भी मेरे ख्याल से जितने भी ये येलो फ्लावर आपको दिख रहे हैं तो इनमें से शायद कुछ में ये फ्रूट लगेंगे। तो मज़ा आ जाएगा भाई अगर इसमें फ्रूट लगते हैं, और गाँव की ककड़ी खाने को मिलेगा दिल्ली में। तो आई विश बोथ ऑफ देम बेस्ट ऑफ लक कि इनकी जो खेती है वो रंग लाए। और काफ़ी मेहनत करते हैं पेड़ों पे, अगर आप देखोगे सारे पौधे कितने हरे भरे हैं। और केले का पौधा देखो, चाहिए अनार का पौधा देखो, ये देखो अनार भी ज़बरदस्त आ रहा हुआ है, और भी काफ़ी फ्रूट्स आ रहे हैं अनार के, ये लगे हुए हैं तो शायद इनमें भी कुछ अनार लगेंगे। तो भाई गार्डनिंग के मामले में तो पापा मम्मी एकदम बेस्ट है घर में, ये देखिए। तो देखते हैं आगे और कितने फ्रूट्स लगते हैं। और ये इसी बीच मम्मी ये देखिए प्रसाद चढ़ा के आ गई है मंदिर से मंगलवार का। जय बजरंग बली, लाइए टीका लगाइए, लाइए टीका लग चुका है, प्रसाद ले लेते। ओए होए होए होए, आज तो किस्मत बन गई भाई सोचा था बूंदी मिल गया बेसन का लड्डू, वाह भाई वाह, जय बजरंग बली। तो दोस्तों बजरंग बली ने तो दिन बना दिया आज उठते के साथ ही,
जबरदस्त चाय है साथ में। अरे देखिए बूंदी के साथ बम्पर प्राइस निकला है, बेसन का लड्डू। तो चाय पियेंगे, लड्डू खाएंगे। और यहाँ मम्मी जी ने नीचे तो पूजा कर ली थी, आपको दिखाया था मैंने, दिया या जला दिया था। और अब ये डेली रूटीन है, यहाँ तुलसी माता को दिया ये यहाँ पर जलाएंगी। और उसके बाद आज का कार्यक्रम मम्मी का समाप्त होगा इस दिए जलाने के साथ। और एक दिया शायद मम्मी मेरे कमरे के आगे भी जलाती हैं, तो वो भी दिखाऊंगा अभी आपको अगर नीचे जाऊंगा। तो मम्मी को करने देते हैं पूजा और हम करते हैं अपना आगे का दिन स्टार्ट। जय माता दी। चलते हैं अंदर। और ये देखिए कल, तो भाई साहब काटा तो बड़े स्टाइल से है तुमने। तो दोस्तों वाइफ ले रही है अपनी डाइट अभी, तो फ़िलहाल इसको यही डाइट लेनी है, ये अनार वनार सेब केले फ्रूट और ये नारियल पानी, तो यही इसकी डाइट है कुछ दिनों तक। तो दोस्तों बस यही था आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मेरे पास। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहाँ एंड करूँगा। और एक तरह से मेरा कमबैक ब्लॉग था, बिकॉज़ पिछले 8-10 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था। तो आज जितना कुछ कंटेंट था मेरे घर में वो सब मैंने आपको दिखाया इस ब्लॉग में। तो मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करूँगा। एंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आप मुझे आगे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज व्यूज़ तो सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा आते हैं मेरे हमेशा, तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं लूँगा आपसे विदा और बहुत जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, इसी दुआ के साथ जय हिंद। तो कंटिन्यू करते हैं, मैं भी अब सेटअप लगाता हूँ अपने ऑफिस का, क्योंकि ऑफिस का टाइम भी होने वाला है।